नमस्कार सभी को। ज्वाला शक्ति संगठन द्वारा चलाया जा रहा बेटा बचाओ अभियान, जिसके तहत मैं जागरूकता अभियान के मैं 3 कदम उठा चुकी हूँ, जिसमें सबसे पहला जो मेरा था हस्ताक्षर अभियान। हस्ताक्षर अभियान करवा के मैंने कई लोगों को जागरूक किया, जिसमें कई लोग जागरूक भी हुए और इस बेटा बचाओ अभियान का मतलब समझाया। इस बेटा बचाओ अभियान का मतलब सिर्फ इतना सा है कि महिलाओं के हित में बने कानून का दुरुपयोग करने वाली महिलाओं के मैं विरोध में हूँ। ऐसी महिलाएं जो निर्दोष बेटों को धारा 376 बलात्कार, धारा 354 छेड़छाड़ और धारा 498 में फंसा देती हैं और उन युवकों को या तो जेल में जाना पड़ता है और या फिर मेरे ख्याल से एक मोटी रकम लेकर उन लोगों का राजीनामा हो जाता है। तो यहाँ से सीधा पता चलता है कि ये सब पैसे के लालच में किया जा रहा है। एक वो पैसा उन महिलाओं को मिल सके, इस लालच से उन युवकों को निर्दोष फंसाया जाता है। दूसरा मुद्दा आता है जिन लोगों के प्रेम संबंध अपनी सहमति से बनते हैं और वो इतने ऊंचे हो जाते हैं, इतने आगे बढ़ जाते हैं कि शारीरिक संबंध भी आजकल नॉर्मल बात है, बन जाते हैं। लेकिन क्या मैं उन महिलाओं से सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब प्रेम प्रसंग के चलते आप लोगों के शारीरिक संबंध बनते हैं तो उसमें क्या सहमति सिर्फ लड़के की होती है, आपकी नहीं? और यदि दोनों की होती है तो फिर अकेला दोषी लड़का क्यों होता है, जिसमें आप कई बार थाने में जाकर महिलाएं या युवतियां रिपोर्ट लिखाती हैं कि शादी का झांसा देकर इसने मेरे साथ 6 माह तक शारीरिक शोषण किया। तो ये क्या है शारीरिक शोषण? ये शारीरिक शोषण का नाम मत दीजिए, दुष्कर्म का नाम इसे मत दीजिए, क्योंकि ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ये शारीरिक शोषण नहीं है। इसको एंजॉयमेंट का नाम दीजिए, ना कि इसको शारीरिक शोषण का। आप जैसी महिलाएं और आप जैसी युवतियां बेचारी उन युवतियों और उन महिलाओं पर जिनके साथ वास्तविक रूप से ये घटना होती है उनके चरित्र पर ये उंगली उठाती हैं, आप जैसी महिलाएं। इसलिए और यदि आपने ये सब बंद नहीं किया, एक पैसे के लालच में या इंटेंशन के रिवेंजफुल नेचर होकर अगर आपने ये सब बंद नहीं किया तो इनफैक्ट मैं निश्चित ही कह सकती हूँ कि आने वाले समय में एक ऐसा दिन आने वाला है कि आप सभी लोगों को नीचा देखना पड़ सकता है, क्योंकि धीरे धीरे मेरा संगठन एक बहुत बड़ा रूप धारण कर रहा है। और निश्चित मानिए कि मैं आप जैसी महिलाओं के या इस तरह का जो चल रहा है आपकी दुकानदारी, ये बहुत जल्दी बंद करवा दूंगी, वादा है मेरा। दूसरी बात, मैंने जागरूकता अभियान के 3 तरीके से किया अभी तक। पहली बार जो मैंने किया हस्ताक्षर अभियान, और दूसरा जो मैंने किया एक रैली निकालकर, जो मैंने ग्वालियर शहर में 25 फरवरी को रैली निकाली थी बेटा बचाओ अभियान के तहत। अब तीसरा जो मैं कर रही हूँ वो ये है कि जो महिलाएं युवतियाँ कहती हैं कि थाने में आकर फलाना पुरुष मुझे बरगला कर बहला फुसला कर ले गया था, या वो युवक मुझे बहला फुसला कर ले गया था, तो 18 साल से ऊपर वाली युवतियों को पहला फुसला कर कैसे? जहाँ शॉपिंग करने जाते हो तो एक साड़ी और एक कुर्ती को आप बिना ट्राई किए और बिना उसका कलर चूज किए आप कैसे उसको मतलब खरीद लेते? नहीं खरीदते हो ना? तो फिर जब इतनी अकल है परचेज करने में, उसके पैसे मोल भाव करने में, आप कोई भी सामान लेने जाते हैं, आप कहीं भी बाहर मार्केट में कोई भी परचेजिंग करते हैं, जब आप इतना माइंड यूज करते हैं, पढ़े लिखी हैं, उसके बावजूद भी बहला फुसला कर क्या होता है? ये बहला फुसला कर ये तो बच्चों वाला काम है, एक बच्चे को बहलाया फुसलाया जा सकता है, आपको नहीं। तो ये झूठ बंद कीजिए। और आप जैसी महिलाओं के लिए मैं आज 6 मार्च को ग्वालियर शहर के सभी पुलिस थानों में एक दूध की बोतल बच्चों वाली और एक दूध की थैली आप लोगों के लिए मैं वितरित करके जा रही हूँ, और निःशुल्क है हमारी तरफ से। आप बिल्कुल दूध की बोतल में दूध भरकर और जैसे बच्चे पीते हैं ना ऐसे पीजिए, है ना, क्योंकि आप उसी की श्रेणी में आती है। और मुझे तो लगता है कि आप मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हैं, मानसिक रूप से भी आप है ना मेरे ख्याल से विषिप्त हैं, क्योंकि मानसिक रूप से विषिप्त जो होते हैं बस वही अपना फैसला ठीक से नहीं ले पाते हैं। तो एक काम कीजिए, आपको आपके इलाज के लिए भी हम लोग सरकार से गुहार करेंगे कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज दिला सके। तो जितने भी युवा इस वक्त मुझे लाइव देख रहे हैं, नेत्रपाल सिंह चौहान, धीरज, धर्जेश रघुवंशी, अबोध तोमर, इंजीनियर विपिन जादौन, और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि यदि आप लोग ग्वालियर में हैं, आप लोग ग्वालियर से हैं, तो 6 मार्च 2018 को हम लोग फूलबाग पर सुबह 10 बजे मिलेंगे। वहां से हम सभी थानों में जाएंगे जहां, और जो महिलाएं मेरे साथ आना चाहती हैं वो भी आ सकती हैं।
सभी थानों में हम जाकर थाना प्रभारियों को एक दूध की बॉटल और दूध की थैली गिफ्ट करेंगे कि जाइए उन महिलाओं को वितरित कीजिए, जो महिलाएं आजकल बहला फुसला बहुत आसानी से बहल फुसल जाती हैं उनके काम आएगी। रही बात संगठन, बहुत ही आप लोगों की सहयोग से और आप लोगों के साथ से संगठन काफ़ी ऊंचाइयां छू रहा है और ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि मैं बहुत जल्दी मुझे इतनी ताकत मिले, इतना साहस मिले और आप लोग बस इसी तरह से मोटिवेट करते रहे तो मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आगे बढ़कर कुछ अच्छे काम कर सकूं। आप जैसे युवाओं को जो बेचारे निर्दोष फंसाए गए हैं उनको मैं न्याय दिलवा सकूं। और कुछ युवा हैं जो मेरे को अगर अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप और कॉलिंग नंबर है 9424300621, 9424300621। इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अपनी परेशानी बता सकते हैं, लेकिन प्लीज़ फालतू कॉल की ना कीजिएगा क्योंकि कुछ लोग हैं जो बेवजह ही कॉल करते रहते हैं, बेवजह ही व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं। तो उनसे प्लीज़ अनुरोध है कि जिन लोगों के लिए आज मैं खड़ी हूँ, जिन लोगों की परेशानियों में आज मैं साथ देना चाहती हूँ, प्लीज़ उनके लिए ये मैंने नंबर दिया है, ना कि इसके लिए कि आप मुझे हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड नाइट और ये सब करते रहें। ओके थैंक यू। और जो भी लोग साथ आना चाहते हैं 6 मार्च 2018 को सुबह 10 बजे फूलबाग गेट पर, जो भी पुरुष और महिलाएं युवतियां अगर मुझे उन्हें लगता है कि संगठन में वो अपना सहयोग करना चाहती हैं, उनको मेरा मुद्दा पसंद आता है, तो प्लीज़ आइए, वेलकम, थैंक यू।